डिफरेंट डायरेक्ट मॉर्निंग के बाद मैं इवनिंग का टाइम है ये और मैं धुलने आई हूँ कपड़े जो कि सुबह आधे कपड़े मैंने धुल लिए थे जो कि ज़रूरी थे। और ये जो बेडशीट होती है ना कॉटन की जो होती है बहुत मतलब उसमें मैल बहुत जम जाता है, ये मतलब आप अन से नहीं धुल पाते हैं। साथ में मैंने पूरे दिन सुबह का छोड़ दिया था ताकि थोड़ी गर्मी से उसका मैल धुल जाए और अच्छे से लगे और अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि कपड़े धोने का ब्रश भी नहीं है मेरे पास और गली में भी आग भी मिला है, नहीं तो मेरे को ब्रश लेना है। बेडशीट धोने में बहुत आराम रहता है, ब्रश के बिना ब्रश भी धोना पड़ रहा है मुझे। एक बार मैंने एक गंदे पानी से निकाल के ऊपर अच्छे से धुला लिया, फिर दोबारा से सर्फ लिया मैंने और फिर सर्फ से अच्छे से फिर से धुलूँगी। क्योंकि बेडशीट धोने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि कॉटन वाला जो बेडशीट होता है बहुत मोटा होता है और इसमें जो मैल जम जाती है बहुत मुश्किल से छूटती है। और हम लोग ये कॉटन वाले कॉटन के बेडशीट ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से मुझे पसंद तो करते हैं लेकिन धुलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली धुल गया है मैंने, मेरे बेडशीट वगैरह धो दिया है, तक कवर था और बेडशीट था। तो मुझे धुलने के बाद आ गई हूँ मैं बनाने के लिए इधर डिनर। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी बहुत ही फेवरेट होती है सबकी, सबको पसंद होता है ये चीज़, तो जो मैं आज बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और मैं हाँ जी मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो कढ़ी तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है कढ़ी। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खट्टी वाली कढ़ी भी नहीं, बिल्कुल मीडियम खट्टी हो तो अच्छी लगती है। और हाँ उसमें दही ज़्यादा हो क्योंकि, तो इसमें मैंने लस्सी भी ऐड किया है और लस्सी भी कम खट्टी थी और दही भी, तो दोनों मिक्स करके और अच्छे से मैं बना रही हूँ क्योंकि दही ज़्यादा होती है ना तो कढ़ी का अलग ही टेस्ट होता है। तो फ्रेंड मैंने कढ़ी को चढ़ा दिया और बिल्कुल देखा आपने, बस मैंने इसमें नमक हल्दी और मिर्च पाउडर डालकर ही कढ़ी को चढ़ाया है बस, और कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने। बस 3-4 कलियाँ लहसुन की इसमें कूच के डाल दूँगी मैं और बस ऐसे ही सादा कढ़ी बनाऊँगी। और चला रही हूँ ताकि कहीं बैठ ना जाए, बट बैठा नहीं था। कभी कभी होता है कोई कोई कढ़ी बैठ जाती है, बस इस वाली कढ़ाई में नहीं बैठी मेरी ये कढ़ी। तो इधर मैं बना रही हूँ प्याज की पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिंपल पकौड़ी बनाऊँगी बट फिर उसके साथ फिर मुझे इसके साथ फिर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी पड़ती, इसलिए मैंने फिर प्याज वाली पकौड़ी बना दी। तो सब्ज़ी नहीं भी बनाऊँगी तो रोटी में कढ़ी के साथ चल जाएगी, तो इसीलिए आज मैं बनाऊँगी रोटी, चावल नहीं बनाऊँगी अभी क्योंकि रात का टाइम है तो रोटी ही बनाऊँगी। तो देखिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी नमक और मुझे अब याद आ रहा है इसमें मैंने मसाला कोई भी नहीं डाला था खा भी लिया पचा भी लिया, वॉइस ओवर करते टाइम मुझे ध्यान आया कि मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला बट अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बनी थी मेरी कढ़ी। तो मैं कढ़ी को अब इस साइड कर लूँगी इस वाले गैस पे और इधर मैं पकौड़ी बना लूँगी। और कढ़ी अच्छे से उबल गई है, इसको बिल्कुल मीडियम आँच में पकने देना है क्योंकि कढ़ी को पकने में जितना पकाओगे कढ़ी उतनी ही अच्छी टेस्टी बनेगी। तो कढ़ी आराम से पकती रहेगी धीरे धीरे, मैं इधर पकौड़ी छान लेती हूँ। तो तेल मेरा बिल्कुल गर्म हो गया था तो मैं इसमें पतली पतली गोल गोल पकौड़ियाँ डाल दूँगी चपटी कर करके और पकौड़ी मैं खाऊँगी भी। मुझे बहुत पसंद है प्याज की पकौड़ी, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुझे प्याज की पकौड़ी पसंद है। तो देखिए अब इसका साइड चेंज कर देती हूँ, एक साइड से बिल्कुल लाल हो गया अच्छे से सिक गया है तो दूसरा साइड मैं चेंज करती हूँ और मैं एक बार और डालूँगी कढ़ाई में तो हो जाएगा मेरे पकौड़ी, मतलब दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक बार मैंने निकाल दी और दूसरी बार भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इस बार मैं कोशिश करूँगी कि सारी पकौड़ी एक बार में ही तल जाए, तो तेल इसलिए मैंने तेल भी ज़्यादा डाल दिया था। तो देखिए इसको इसका भी मैं साइड चेंज कर दी, अब इस वाली जो आधी निकाली थी मैंने एक बार पहली बार में वो मैं डाल दे रही हूँ और दो रख लिया मैंने खाने के लिए क्योंकि मैं पकौड़ी बनाऊँ और खाऊँ ना ऐसा हो सकता है तो अब सारी पकौड़ियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन गई है तो मैं डाल दूँगी इसको भी कढ़ाई में और खाने के लिए बाबू के लिए और निकाल के रख दूँगी क्योंकि बाबू को भी पसंद है प्याज की पकौड़ी और कोई सी पकौड़ी नहीं खाता हो। वैसे आज मैं बना भी नहीं रही हूँ और कोई सी, बस कढ़ी और पकौड़ी बना रही हूँ तो एक्स्ट्रा कोई पकौड़ी नहीं बना रही हूँ। और देखिए अब यहाँ पर मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई थी तो मैं कढ़ी को निकाल रही हूँ भगोने में और आधी कढ़ी मैं इसमें निकालूँगी और आधी कढ़ी दूसरे बर्तन में निकालूँगी, तो ये बताऊँगी मैं क्यों निकाल रही हूँ। तो और अगर जैसे अब मैंने आधी कढ़ी निकाल लिया, इसको ठंडी करके आप तुरंत पानी में ठंडी कर दीजिए और उसको ढक के अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब आपको दोबारा खाना हो तो उसे गर्म करके उसमें
फिर से तड़का लगा लीजिए। तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर दो जगह मैंने कढ़ी निकाली, आपने देखा। तो ये छोटे बर्तन में जो निकाला है वो मुझे अभी, हमें रात को खाना है डिनर के में, तो उसको मैं अभी इसमें छौंक लगाऊंगी। बस सारी कढ़ी में मैं छौंक नहीं लगाऊंगी, बाकी को मैं फ्रिज में ढक के वैसे ठंडी करके रख दी मैंने। अब उसको मैं कल चावल के साथ जब हम खाएंगे तब उसको मैं फ्राई करूँगी, मतलब तड़का लगाऊंगी बाद में कल। और कढ़ी पत्ता नहीं था ना, इसलिए थोड़ा सा अधूरा सा रह गया टेस्ट, बट बहुत अच्छी बनी थी। तो इधर मैं पापा का लंच पैक कर रही हूँ, एक लंच बॉक्स में मैंने रोटी डाल दी, अब इसमें मैं कढ़ी डाल रही हूँ। तो ये और पापा का लंच हो जाएगा, फिर हम लोग रोटी अभी मैंने सारी नहीं बनाई है, हम लोग खाते टाइम ही बनाएंगे। ये हमारी शुरू से आदत है, जब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब भी रोटी खानी होती है तो गर्म ही बनाते, चाहे कोई भी खाना, जब चावल भी खाना होता है तो खाने के बस मैं 10 मिनट पहले चढ़ाती हूँ। और हम क्योंकि ठंडा खाना हमसे नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। तो देखिए मेरा गैस वैस बिल्कुल साफ़ हो गया, बर्तन भी सारे धुल गए, हम दूध गर्म कर रही हूँ पापा को देने के लिए। और इधर साइड में चाय बना रही हूँ, क्योंकि शाम की चाय, तो अब मैं, मेरी चाय बन रही है, उबाल अच्छे से आ गई है। तो देखिए चाय पकती है, जब तक मैं कुछ और काम अपना उधर निपटा लेती हूँ फिर चाय चेक करना होगी, क्योंकि मैं चाय बहुत पकाती हूँ। तो देखिए आपको कलर देख के लग गया होगा कि मैंने चाय कितनी पकाई है। तो फ्रेंड अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ, तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं अब, मतलब कि किसी के ऊपर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम, मैं भी एक माँ हूँ, और जो ये वीडियो बना रही हैं वो भी एक माँ हैं, और जिनके लिए वो वीडियो बना रही हैं वो भी माँ बनने वाली हैं। अभी अभी वो माँ नहीं बनी है, लेकिन हर एक औरत का सपना होता है, हर एक औरत मतलब एक सपना संजोती है। एक औरत जब औरत जब तक अधूरी रहती है, जब तक कि वो माँ नहीं बनती है, माँ बनने के बाद ही एक औरत पूरी तरह से औरत बनती है। तो हर किसी का सपना होता है माँ बनना, और ये सौभाग्य कौन नहीं चाहेगा। तो और कोई कैसे कह सकता है, मतलब मैं कह दूं कि मैं झूठ मूठ व्यू पाने के लिए ऐसा कह सकती हूं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं, क्या आप ऐसा करेंगे कि मैं आज कह देती हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, फिर भी मैं क्यों और व्यू पाने के लिए ऐसा कह दूं कि मैं आज प्रेग्नेंट हूं और दूसरे 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मैं ये कह दूं कि नहीं मेरा मिसकैरेज हो गया करके। तो आप समझ गए होंगे, कितने लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे तो मैं नाम बता देती हूँ। जी हाँ, मैं प्रियंका की बात कर रही हूँ, जो हिमाचल की हैं, जो ब्लॉगर हैं, काफ़ी बड़ी ब्लॉगर है वो। तो मैं उनको काफ़ी टाइम किया, जब से मेरा चैनल नहीं, मैंने चैनल अपना ओपन नहीं किया था, जब से मैं प्रियंका को देखती हूँ, प्रियंका को देख फॉलो करती, उनकी सिस्टर को फॉलो किया, उनके भाई को भी फॉलो किया, मतलब सारे तीनों ब्लॉगिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छे मुझे अच्छी लगती थी उनकी ब्लॉगिंग, तो मैं देखती थी। तो बेचारी काफ़ी टाइम से, 2 बार उनका मिसकैरेज हो चुका है, तो काफ़ी टाइम से वो उस माँ के दिल से पूछे जिन जो कि मतलब ऐसी सिचुएशन 2 बार उनके साथ हो चुकी है, अब तीसरी बार है, तो वो झूठ क्यों बोलेंगी? कोई भी औरत अपने साथ, अपने जज्बातों के साथ, एक व्यू के लिए, चंद व्यू के लिए, कुछ पैसों के लिए इतना बड़ा तो मतलब खेल नहीं खेल सकती है। तो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके ऊपर से अपोजिट की प्रियंका ने फिर व्यू पाने के लिए अपने आप को प्रेग्नेंट का बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी कुछ दिन बाद बोलेगी कि मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया। तो भगवान ना करें, सबसे पहले तो मैं प्रियंका को गॉड ब्लेस देना चाहती हूँ कि डियर आप, मैं जल्दी से आपका सपना पूरा हो और आप जल्दी से माँ बनो और एक बहुत अच्छे और हेल्दी बेबी को आप जन्म दो, और आप भी हेल्दी रहो और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। मैं तो भगवान से, हम क्या, जितने भी आपके व्यूवर हैं सब यही, मतलब हर कोई दिल से यही दुआ देगा, और दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमें बस भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि जो इस बार जो मतलब जो गुड न्यूज़ सुनी है हमने, वो भगवान जल्दी से सुना दे, ताकि दोबारा से आपको कोई ऐसे आप पे कोई लांछन ना लगाए कि आप व्यू पाने के लिए आप ऐसा कर रही हो। तो बस मुझे ये छोटा सा मैसेज देना था, कोई लंबा वीडियो नहीं बनाना था मुझे इसके ऊपर, बस मेरे वीडियो के ब्लॉग, मैंने सोचा ब्लॉग के एंड में मैं थोड़ा सा बोल दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और यार हमारा क्या कहते हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे अंदर भी मतलब हमें भी होता है, दुख होता है किसी की ऐसी ऐसी बातें सुन के,
हम एक औरत हैं, तो हम एक दूसरे औरत की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और एक औरत ही दूसरे औरत के ऊपर ऐसे लांछन लगाती है तो ये बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए किसी। तो फिर से मैं बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक प्रियंका, जल्दी से गुड न्यूज़ देना। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड भी करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा मेरा वीडियो फिर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को, आप नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अच्छा लगता है वीडियो तो फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।